अब आप लोग देख सकते हैं इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। कुछ ही मिनटों में आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही आप जो अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर देंगे, बाल आपके इतने नरिश हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे, आपके ड्राइनेस बालों की खत्म हो जाएगी, बालों पे जो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो चुकी है, बालों में बहुत ज़्यादा व्हाइटनेस है, वो सारी ठीक हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको यूज किया करेंगे और कैसे इसको बनाया जाएगा। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली, वैसे आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कैसे हम अपने बालों को चुटकियों में अपने बालों को काला कर सकते बिना कोई तेल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, आप जो इसकी जगह लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो है मैं एक बाउल लेने वाली हूँ। तो हम इसके अंदर जो थोड़ा सा आंवला पाउडर डालेंगे। आंवला पाउडर क्या होता है कि मैंने यहाँ पर जो एल्प्स का गुडनेस का जो आंवला पाउडर लिया है, ये हमारे विटामिन सी होता है, हमारे बालों को विटामिन सी के साथ साथ रिच इसमें प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे बालों को ब्राइट करता है, टाइट करता है। तो यहाँ पर मैं जो है आंवला पाउडर ले रही हूँ। तो आप यहाँ ना अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जस्ट अ मिनट, आप लोग यहाँ पर अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच काफी ज्यादा ठीक रहेगा और हमारे बालों को जहां जहां हमारे व्हाइट हेयर है वहां पर हमारे ये काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ मैंने आंवला पाउडर ले लिया। हम इसके अंदर जो थोड़ा सा दही ऐड कर सकते हैं, दही भी हमें जो काफी गाढ़ा दही लेना है, देख सकते हैं इस तरीके का इसमें दही ऐड कर रही हूँ बिना कोई पानी के। हम जो इसके अंदर लेंगे, हमने दही भी ऐड कर दिया, हम साथ साथ इसके अंदर जो है थोड़ा सा हरड़ लेंगे। हरड़ जो होता है हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करता है और बालों में जो है विटामिन सी होता है इसके अंदर जो हमारे बालों को बूस्ट करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिशंस इतने अच्छे होते हैं और इसके अंदर कॉपर होता है, आयरन होता है और विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हेयर्स की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो मैं यहाँ जो हरड़ का जो 1/2 चम्मच के करीब ले रही हूँ। और याद रखिएगा हर्बल टॉनिक का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा, जैसे बालों में जैसे इचीनेस हो जाती है या स्कैल्प हमारे बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, उन सब से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। और हमारे स्किन को जो प्रमोट करता है, हमारे स्कैल्प की जो है हेल्थ की जो प्रॉब्लम जो हो जाती है वो सारी ठीक कर देता है। तो मैंने इन सारी चीजों को इसके अंदर, तीनों चीजों को ऐड कर दिया। और हाँ, अगर आपके पास काला कथा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर एलोवेरा जेल है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ममा अर्थ का एलोवेरा जेल ले रही हूँ, थोड़ा सा हमें ऐड करना विटामिन ई की तरह, और हम इसको जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर जो पानी हम ऐड कर रहे हैं, जैसे अब तो आपको पता है कि हमारे उत्तर भारत की तरफ जो हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी लेंगे। हमें इसके अंदर ठंडा पानी नहीं लेना है। और हाँ, अगर आपके पास चाय पत्ती का पानी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ नॉर्मल जो है वाटर ले रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हमारी जो मिनटों में बन जाएगा। अब जैसे धीरे धीरे त्यौहार आते हैं तो हमारे जैसे विंटर्स में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोगों को पार्लर जाने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और जिससे कि हमारे कई घंटों खराब हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि घर बैठे भी हम जो है अपने कुछ ही मिनटों में अपने बालों को, जैसे नहाने से पहले या बाल धोने से पहले जो 15 से 20 मिनट पहले हम इसको लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको जो है अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो हमारा ये जो है रेमेडी बन के तैयार हो चुकी है, बस आपको इसको जो है लगाना है और अपने बालों पे 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिएगा और रिजल्ट देखिए आपके सामने होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो देख सकते हैं आप ये मेरी जो है तैयार हो चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पर याद रखिएगा अच्छे से, देखिए कितना अच्छा सा एक मिश्रण बन चुका है क्योंकि इसके अंदर जो दही ऐड किया है वो विटामिन सी का काम करता है काफी अच्छा, जो हमारे स्किन की स्कैल्प को जो है बहुत ही अच्छा एक पोषण देता है। ये देख सकते हैं आप, आप इसे चाहे आप इसको लगाने के बाद चाहे 15 से 20 मिनट बाद अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा। और लगाने का तरीका बहुत ही आसान, जैसे आप लोग फेस पे मसाज करते हैं बस इसी तरीके से आप इसको अपने बालों के स्कैल्प पे लगाइएगा और रिजल्ट आपके सामने बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, कसम से। आप एक बार जरा इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, इसका रिजल्ट जो आपको तुरंत मिल जाएगा। और आप इसे अगर हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और ऐसा रिजल्ट आपको अब तक कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आप छान मारिएगा क्योंकि इसके अंदर जो हरड़ मैंने जो चीज मेन ऐड करी है वो हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा नरिश करेगा, सिल्की एंड सॉफ्ट करेगा, बालों को इतना अच्छा कर देगा कि आप खुद यकीन करिए। जब तक आप इसको देखेंगे नहीं, लगा के नहीं पसंद करेंगे तब तक आपको नहीं मालूम होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज की वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।